परसों भगत परमानंद जी की रसना तो उचारण किया हुआ जो शब्द है उसकी विचार आरंभ की सी। एक ही शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब भगत परमानंद जी का राग सारंग दे अंदर और इस अमृत शब्द दे अंदर भगत जी ने आत्मक विकास लई जिमें असी धर्म ग्रंथ पढ़ने शब्द उत्थे उन्होंने पुराण वरत्या है। धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं उन्हां दी व्याख्या की जाती है उस दे एक एक सूक्ष्म विषय को भी चंगी तरह घोखिया पड़चोलिया जाता है पर जो वो ग्रंथ कह रहा है जो वो सिक्ख्या कह रही है महाराज कहिंदे जे उसनू अपनी जिंदगी विच अमली जामा नहीं पहनाया तो फिर तेरे इन्ने साल उस ग्रंथ पढ़न का फायदा की होया। इस विच सतगुरां जी की बाणी विच असी आरंभ किया सी तै नर क्या पुराण सुन कीना दो दिन की विचार सिर्फ एक तुक की आप अद्धी की कीती है अज इस दे अर्थ मुकम्मल कर देंगे। लफजी अर्थ बड़े सौखे ने तै नर का अर्थ तू इंसान जा बंदिया तै तै नर क्या पुराण सुन कीना ते रात मैं आप जी नूं अर्ज कीती सी इत्थे पुराण शब्द 18 ही पुराणा वास्ते है क्योंकि पुराण जिहड़े ने उन्हां दे वक्रे वक्रे नाम ने जी 18 पुराणा दे। इत्थे सतगुरां ने सिर्फ भगत जी ने शब्द वरत्या पुराण ते कई वारी एक शब्द विच भी असी काफ़ी ग्रंथां बारे गुरु ग्रंथ साहिब विचों व्याख्या कर जाने जिवें एक बचन हुंदा वेद कतेब कहो मत झूठे लफ्ज़ दो ही ने एक वेद ते दूसरा कतेब पर वेद तो चार ने ऋग वेद जुजर वेद श्याम वेद अथर्वण वेद ते कतेबां भी जे आपां जिक्र करांगे कुरान है अंजील है तुरेत है जंबूर है शब्द कतेब और वेद है पर इस दो शब्दां दे विच पूर्व ते पछम दा जिन्ना धार्मिक लिटरेचर है जी जां धर्म ग्रंथ ने इन्हां दोनां शब्दां दे विच आ जांदे आ क्योंकि वेद दा संबंध पूर्व भारत दे इस स्थान तो बोलण समझो कह रहा हूँ उत्थे पूर्व वल जिहड़े ग्रंथ ने उन्हां दी शब्द वेद वरत्या गया उहदे विच सारे आ जांदे ने ते जिहड़े पछम दे धर्म ने इन्हां विच ईसाई ने मुसलमान ने मुसाई ने इन्हां दे जिहड़े धर्म ग्रंथ ने इन्हां लई गुरबाणी ने शब्द कतेब वरत्या है। महाराज ने दो शब्द हुण इत्थे तै नर क्या पुराण सुन कीना हे इंसान तू धर्म ग्रंथ सुन के अज तक की कीता फिर इस बारे भी अज तक तू जो सुनिया इनू की कमाया ते अगे फिर भगत जी इस दी व्याख्या करदे ने की कमाना सी तै नर क्या पुराण सुन कीना अन्न पावनी भगत ना कीनी अन्न पावनी भगत नहीं कीनी भूखे दान ना दीना। पहला शब्द क्या भी कल रात अर्ज की सी अर्थ कर दें शब्द है साढ़े उच्चारण च है जो सतगुरां ने दिता अन्न पावनी ते असल च शब्द है अपाइनी ते इहदे लफ्ज़ी अर्थ ने कि जिन्हें कदी नाश नहीं होना अन्न पावनी भगत इहदा अर्थ कि जिहड़ी भगती ने परमेश्वर की प्रेमा भगती ने कदी नाश नहीं होना प्रेमा भगती की व्याख्या हुई प्रेमा भगती दियां साखियां हुई प्रेमा भगती दे बारे शब्द गाए गए तो महाराज कहिंदे ने की तू उहनू अपनी जिंदगी च एक ग्रंथ पढ़ के उहनू प्रैक्टिकल तौर कहो अमली कहो जां जीवन दे तौर ते कदी भगती करके भी देखी है। असी दो दिन ये विचार करते रहे महाराज कहिंदे अन्न पावनी भगत ना भगत नहीं कीनी एक भगती नहीं कीती दूजा तेरा हिरदा किते पसीजिया है भूखे दान ना दीना मान लो जे कोई लोड़वंदा आ गया भुख वाला है कोई इत्थे भुख दा अर्थ तृष्णा रूप नहीं करना लोड़वंद कोई बंदा भुखा आ गया जिन्हों लोड़ है कि कदी उस बंदे दी तू मदद कीती जे भगती नहीं कीती
जे तू परोपकार दे करमी कोई नहीं किते ते फिर भगत जी कहिंदे सानू इन्नी गल तां दस जा, इन्ने साल हो गए तैनू धर्म ग्रंथ पढ़दियां तू कीता की है। मैं कल भी कहा सी जी इहनू नैगेटिव नहीं ले जाणा, उह सानू चाहुंदे ने कि बंदा होर अगे तुरे जो सतगुरु जी शब्द वरत रहे आ। इह बचन है कि तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन्न पावनी भगत नहीं उपजी भूखे दाना दीना। कल आपां बेनती कीती सी जी सच एवे गुरमत विच ना सब तो श्रेष्ठ जिहड़ा धर्म दा कर्म है, उंज तक धर्म दे कर्म बहुत ने जी, सेवा करने आ जां असी बारमुखी परोपकार शब्द वरतने आ, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो श्रोमणी कर्म एक है कि पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती करनी, उहनू सिमरन कहो, इबादत कहो, बंदगी कहो। महाराज कहिंदे ने कि ग्रंथ पढ़न दा मतलब ए वे कि तू परमात्मा नाल अपना संबंध बना। सतगुरां ने यह बख्शिश कीती ते रात मैं आप नू अर्ज कीती सी कि प्रेमा भगती ते जोर दिता है। आप गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ोगे, हालांकि कई शब्दां विच हठ दा जिक्र कीता गया पर प्रेमा भगती जिहड़ी उह हठ तो बहुत उची है। जिवें एक उदाहरण आप जी नू दस दिंदा है, बाबा साहिब जी का एक बचन है भगत बाबा फरीद साहिब जी का, उन्होंने बचन असी पढ़ने कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन, मेरा तन इस तरह तप जाए इबादत करदे हैं जिमें तंदूर तपदा है। तंदूर विच आपां कोयले लकड़ां पाने ते उत्थे बाबा साहिब फरीद साहिब कह रहे ने मैं अपनियां खड्डियां लकड़ां दी तरह साड़दियां। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थकां, जे मैं अपने पैरां नाल चलदा होया थक जावां ते सिर जुलां, असल च पैरां तो हट के सिर परने हो के मैं चलन लग पां। पैरी थकां सिर जुलां जे मूँह प्री मिलन, जे मैनूं मेरा प्यारा मिल जाए किड्डा वाट है कि तैनूं तंदूर दी तरह तपावां खड्डियां लकड़ दी तरह फूकदियां, सच्ची मुची सिर परने हो के मैं चलना पुट्ठा तुरा। महाराज ने अगे फिर बचन किया, महाराज का बचन है कि तन ना तपाए तनूर ज्यों, देखो प्रेमा भगती वाल गल जे, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, कोई लोड़ नहीं इन्हों हट करके खड्डिया फूकन की, सिर पैरी क्या फेड़िया, पैरां ने ते सिर ने की दोष किया, तू दोनों सताई जाने। अंदर प्री समाल ते निखाल ये दोवरी शब्द आउंदा है, अर्थ एको ही ने कि तू अपने खट करके इस शरीर नू तंग ना कर, तू अपने अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु उहदे नाम की संभाल कर। इस नू थोड़ा जिहा होर बेनती करा, एक सतगुरां की अष्टपदी उस विच ए जिक्र आ जाएगा तै नर क्या पुराण सुन की ना, सोलठ राग की अष्टपदी है जी, पाठ करने वाले नू चेते है, वह शुरू हुंदा है पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, तै नर क्या पुराण सुन की ना। सिर्फ आप तीन दिन हो गए इस तुक की ही व्याख्या सतगुरु करा रहे, पाठ भी किया विचार भी की, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुअंगम निवल भुअंगम साधे पंच जना सो संग ना छुटक्यो अधक आहंग बुद्ध बांधे। महाराज कहिंदे ने कि देखो निवली कर्म भी किते, आ जोगियां वाले आसन भी किते, पर प्यारियो जिन्ना पढ़ी गए जिन्ना ज़्यादा बोधक तल ते ज्ञान इकट्ठा हो गया उन्नियां मन दे उत्ते खौमे दियां पट्टियां खौमे दी तह खौमे दी परत जमी गई। तो महाराज कहिंदे ने उत्ते आहंग जिहड़ी बुद्धि है उसने तेनू बन लिया है। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भुअंगम साधे पंच जना सो संग न छुटक्यो अधक आहंग बुद्ध बांधे। प्यारे इन बिद मिल ना जाई मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी कै द्वारे दीजे बुद्ध बबेका। फिर मैं आप नू अर्ज करा इस ए राव दी तो कै पहली दीजे बुद्ध बबेका, पर जदों इस अष्टपदी की संपूर्णता हुंदी है सारे कर्मां दा जिक्र महाराज करी जांदे आ, मन कामना तीर्थ जय बस्यो सारा जिक्र करके अखीर ते सतगुरु कहिंदे आ कि सब तो श्रोमणी कर्म ए वे कि तू संगत विच बैठ के परमात्मा दी कीर्ति करिया कर।
ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਸਿਰ ਕਰਮਣ ਕੈ ਕਰਮਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦਗੀ ਆ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨ ਊਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤੈਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੇ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਤਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਬਾਦਤ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਿਨਸਦਾ। ਜੇ ਕਰਮ ਪਾਪ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਤੀਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਲੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਣਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਕਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਤਲੀਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 2022 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰੋ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਸਕਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਇਦਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਇਦਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵਰਨਾ ਆਖਿਰ ਮੇਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਵਰਨਾ ਆਖਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਕੁੰਨ, ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕੁੰਨ, ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕੁੰਨ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਨਾ, ਲੱਜਿਆ ਕਰੋ ਮਨਾ, ਈ ਦਿਲੇ ਚੂ ਸੰਗ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੌਮੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ,
जे इस संघ नू नरम करना चाहना है तो रब की बंदगी ही इनू मुलायम कर सकती है। घर बजुर्गी बाय दत्त कुन बंदगी वरना आखर मेकशी शर्मिंदगी शर्म कुन खा शर्म कुन खा शर्म कुन ई दिले चू संग पत्थर वर्गा दिल खुदरा नरम कर बंदगी इनू नरम कर देवेगी। उन्हां दा एक दो बचन होर है कि किड्डी वड्डी उह बंदगी दी गल उन्हां बचन ने दौलते जावेद बाशद बंदगी दौलत असली दौलत रब की बंदगी है कहने इन्हें कदी खत्म नहीं होना। दौलते जावेद बाशद बंदगी बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी बंदगी करो मना बंदगी कर। मैं आपनू सिर्फ बेनती की भाई तीन दिन च कि गुरु घर विच प्रेमा भगती स्वीकार है यही कारण शब्द कमाण वाला सिमरन करन वाला हो सकता उहदे कोल लच्छेदार शब्दावली ना होवे। साढ़े वर्गे बुलारे कई साल बोलते रहे मैं ये निम्रता नहीं केवल कह रहा बंदगी करन वाला चार शब्द ही कह जाए अज तो बाद रब नू ना भुली याद रखो चार शब्द ही उहदा पार उतारा कर देंदे आ क्योंकि सिमरन च आ वर्त है। दास ने एक बार इत्थे भी अर्ज की पिछले सालों च भी भाई साहब भाई वीर सिंह जी की जिहड़ी गुरमुख सिख्या प्रसंगलियां च भी है कि किसान ने सिर्फ साधु नू पानी पाया ना किन्नी गर्मी सी। मैं बड़ी संखेप जी कहना उन्हें सिर ते छोटी जी केसकी बन्नी इकले खपनी गल च पाई त्रेह लगी ते खूह ते आ के कहन लगे किसान नू जिमीदारा जां किसान मैनू पानी पिया दे। उन्हें खूह रोक लिया टिंडा वाला खूह सी टिंड खोल ली टिंड अद्धी पानी दी भरी सी ते मन चाहिया कि शाम दा वेला गां चोण दा वेला कुछ धारा इस टिंड विच पानी विच मार दिया कच्ची लस्सी क्यों ना पिया दिया। उन्हां धारा धारा शब्द ते आपां दे समझने ना वह धारा पानी दियां मारियां पानी च ते वह कच्ची लस्सी बन गई। जदों कच्ची लस्सी पियाई टिंड ही सीधे रा दित्ती कहन लगा शब्द बड़े सीधे वरते बाबा गर्मी बड़ी है पानी की पीना कच्ची लस्सी पी। उस साधु ने उस टिंड नू मूंह ला के जदों कच्ची लस्सी पीती अद्धी कु पी के कहिंदा है जिमीदारा तेनू ये भी पता सी मैनू भुख लगी मैं तां पानी मंगिया। उन्हें उत्तर दिता कहिंदा बाबा मैं कोई अंतरजामी नहीं गां चोण दा वेला सी तुसी आ गए मैं कच्ची लस्सी बना दित्ती अगली गल अंदरों कह गया जो मेरे गरीब कोल सी मैं दे दिता। वो कच्ची लस्सी पी के कहिंदा जो मेरे कोल मैं तेनू दे के चलिया वा। वो याद आने कोई चौखिया किताबा भी नहीं पढ़िया जरा सामने बैठा। मैं इस करके बेनती तुहानू कर लगा गुरमुखो जिन्ना मर्जी असी गल करिए उंज गुरबाणी ये नहीं भी गुरबाणी पढ़न का कोई फायदा नहीं बहुत फायदा है सच्ची मुची। गुरबाणी ये शब्द विचों आई है ना जी ये बाणी नाम चो आई है। महाराज ने वचन किया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए। वेद का से अर्थ करांगे रूहानी ग्रंथ सिमरन विचों तां ग्रंथ पैदा होया। ते एक खूबसूरती है वे कि जिस नाम विचों नामी नाल जुड़ के बाणी दे उचारण करता ने बाणी उचारण की जदों आपां शब्द का अभ्यास करने यह शब्द सानू उत्थे लै जांदा है जिहदे कोलों बाणी आई है। उस दिन भी अर्ज की सी बाणी ते नाम वखरा नहीं वैसे ये बाणी जो जियो जाना तिस अंतर रवै खरनामा। उन्हें कहा जी जो मेरे कोल सी मैं दे दिता। उस गुरमुख ने कहा वो भाई सजना साधु ने जो मेरे कोल मैं देना। वो अगो कहिंदा बाबा सी तां आपां किरत करके रोटी खाने चार किले ने इहदे नाल ही। कहन लगे तेरे कोल पानी सी गां तेरे कोल चोण दा वेला सी तू दुध पा के लस्सी बना दित्ती कच्ची अपने सामने बिठा के कहन लगे बोल वाहिगुरु जो मैं कमाया मैं तेनू दे के जाना वा। ते एक आपनू बेनती करां गुरमुखो गुरबाणी मुताबक बंदगी करन वाला याद रखियो दो चार दिन दस भी दिन नहीं सच्ची जे एक किणका मात्र कह दे मैं तेनू दिता एक बंदा नहीं गुरबाणी का बचन है एक किणका करोड़ा बंदियां दी जिंदगी का उधार कर दिंदा है। गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नावें एक कणी उस कणी दे अर्थ
ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ, ਕਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਕਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਸਖਸ ਦੇ ਡੀ ਨਾ ਏਦੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਣਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਦਾਣਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੀ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਕਤਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਭਗਤ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੰਤ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ, ਇੱਕ ਚਿਣਗ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਣਕੇ ਦਾ ਅਰਥ, ਚਿੰਗਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਹ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ, ਰਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੂਮਾਂ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਲੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ, ਰਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੂਮਾਂ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜ ਦੇ ਅਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਨੇ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋੜਦਾ ਅਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੁੱਧੋ ਪਾਰ ਤਾਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਵੇ ਗਿਆਨੀ, ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪਰਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਲ ਖਿੱਲਣ। ਬੈਠ ਗਏ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਏ, ਜਿੱਦਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉੱਦਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਾ ਉਪਜੀ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਣਾ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਪਾਵਣੀ ਦਰਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਭਗਤੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਭੁੱਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ। ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ,
मैं नाल भी बेनती करता जावा एल्स ब्रांटे भी पिछले दिन ही मनाया सी तो उस दिन मैं अर्ज की सी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ना जी असी जदों जिक्र करने ज़्यादातर मीरी ते पीरी दा तखत दा हुक्मनाम्या दा ये बड़ा वड्डा एक सतगुरां ने बख्शिश की पर प्यारे हो गुरु हरगोबिंद साहब के जीवन विच इन्ने प्यार दे बचन ने सिखां लई ते सिख गुरु नूं किवें प्यार करदे ने। मैं सिर्फ संखेप मात्र तीन चार घटनावां कहांगा पर करांगे संखेप जिहा क्योंकि आपां दिन मना रहे हां ना ते इत्थों तक भाई साहब जी दा शब्द पंज प्याले पंज पीर तां हो गया गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जुन देव जी तक पंज प्याले किहड़े ने सत संतोख दया धर्म ते धीरज जिहड़े सतो गुण ने फिर अर सुनियो सत संतोख दया धर्म ते धीरज चलो इहदी डिटेल च नहीं आपां जाणा समां उन्ना क है कि वह पंज जिहड़े सतु गुण ने गुरु हरगोबिंद साहब तक सत दा संतोख दा धर्म दा धीरज दा दया दा ये सारे इन्हां ने अभ्यास किए ते पंज पीर गुरु अर्जुन देव जी तक अगे फिर भाई साहब जी ने कहा पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी भारी गुरु अगे जी अर्जन काया पलटकै मूर्त हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी अगे भाई साहब का बचन कह दल भंजन गुर सूरमा वाहगुरु दलां नूं भन्नण वाला सूरमा गुरु अगला शब्द बढ़ जोधा बहु पारोपकारी ये शब्द सारे दैवी गुणा नाल संबंधित ने फिर सुनियो दल भंजन गुर सूरमा बढ़ जोधा बहु पारोपकारी। मैं दो तीन आप नूं बेनतियां करनियां ने कि प्यारियो सच्ची ये प्रेमा भगती जिदे पले आ गई सब कुछ जिदे कोल आ गया इस करके महाराज उच्ची आवाज़ दे के कहिंदे ने साच कहो सुन लिखो सब है जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रपायो प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना गुरिया दर्द हुंदा वड्डी प्रीत तो पति ते पत्नी दी भी है प्रीत तो पिता ते पुत्र दी भी है प्रीत तो धन ते लोभी दी भी है प्रीत तो काम ते कामी दी भी है प्यारे प्रीत तो पदवी दी ते अंदर दी ख्वाहिश दी भी है सारिया प्रीतां बिल्कुल शूदर ने नीवियां ने प्रीतां विचों सब तो वड्डी प्रीत जिहड़ी ओह रब दी प्रीत है प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना इनू भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी बचन है इश्क मौला मर तुरा मौला कुनद सुनियो इश्क मौला मर तुरा मौला कुनद दर्दो आलम बेतरो औला कुनद तू इश्क कर मौला नू तू रब दी बंदगी कर एक दिन रब तेनू अपने वर्गा बना लेगा आ जिहड़े दो जहान ने ना तेनू इन्नी उच्चा रुतबा मिल जाना कि तेरे मुकाबले किसी ने आ ही नहीं सकना पर इनू मुकाबले नू खौमे च अर्थ नहीं करने इश्क मौला मर तुरा मौला कुनद दर्दो आलम मेत्रो औला कुनद तू इन्ना बड़ा बन जाएगा क्योंकि प्रेमा भगती सब कुछ इस करके गुरु साहब दे तुसी देखो साड़ी एक मैं मुश्किल ये वे मुश्किल कह सकना असी एक अपनी अपनी जिनी जी जिस तरह साड़ी बुद्धि है ना जी क्षमा करो उस तरह प्रमाण काढ़ने आपां जिस तरह बंदे सोच होवे जे मेरी बुद्धि दे उत्ते नकारात्मक सोच भारू है ना याद रखियो भावें गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी में प्रमाण उही कढ़ी जाने ने हाँ जी ते जे प्रेमा भगती है आप जी देखोगे बंदगी करन वाला जिन्ना मर्जी घूम फिर के कथा करे अखीर ते फिर उहने आके गल बंदगी दी ही करनी है क्योंकि साडी अपनी सोच भारू पै जांदी है कई वारी ख्यालां दे उत्ते इन्हां ते महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने बाणी च कहा प्रीत तो वड्डा कुछ नहीं जिवें आप जी जपजी साहब च पढ़ दो साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार बोली प्रेम है जिन्हें महापुरख ने उन्होंने प्यार की गल प्रेमा भगती की गल की फिर वह च भाव भी बनाए आओ मैं गल करनी चाहना गुरु हरगोबिंद साहब जी की सतगुरु सच्चे पातशाह के जीवन च प्यार दियां झाकियां पहली उदाहरण उस दिन भी दिती कि सतगुरु जी डरौली रुके हुए आ मालवे की धरती ते किन्ने दिन रुके क्योंकि उत्थे सतगुरां जी का
ये ड्रौली विखे ये दुनियावी तौर पर रिश्तेदारी देखो तो सांडू सिपाही साईं दास ते उन्हां दे घरों बीबी रामू पर वो सतगुरु नूं मुहब्बत करदे ने रिश्तेदारी एक पासे रख के ते आप जी नूं ज्ञात होना है कि जिहड़ी शब्द चौकी शुरू हुई है ना दरबार साहब इहदा पहली जिहड़ी पत्रका को हुक्म कहे वो ड्रौली तो आया सी जदों मारे ड्रौली आ गए तो अमृतसर की जिहड़ी संगत सी बाबा बुढ़ा जी ने पत्रका लिखी महाराज किन्ने महीने लंघ गए समा लंघ गया दर्शन बख्शो तो हजूर ने ना बाबा जी ने कहा चिट्ठी पा के उत्तर दिता असी काम निबड़दे आने तुसी शब्द चौकी कढ़िया करो असी विच शामिल होया करांगे। फिर बाबा जी ने शब्द चौकी शुरू की जिहड़ियां हुण शब्द चौकियां बदल गए ना थोड़े जिहे हुण प्रभात फेरी बन गई नगर कीर्तन बन गया इस ढंग नाल हुण उत्थे सतगुरु ड्रौली रुकिया तैयारी की जी कि वापस चलना। महाराज सच्चे पातशाह जी ने सिखां नूं कहा आपां वापस जाना है सवेरे सारी तैयारी हो चुकी सी भी इस दिन चले जाना है। सवेरे अमृत वेले दीवान सजिया इस भी दीवान तो बाद अज महाराज कूच करनगे अमृतसर साहिब जी नूं ते सतगुरां ने दीवान तो बाद कहा जी अज दा दिन असीं होर रुकांगे इत्थे। किसी ने थोड़ा कहा जी क्यों तैयारी करा के अज क्यों रुकोगे सत बचन इहदे नेड़े पिंड सी तुकलाणी उत्थों दी एक गुरसिख दी बेटी सी उस बीबी दा विआह सी बच्ची दा चलो धी दा उहदा विआह सी बड़े पिंड होना वह पुराने समयां दी गल्लां वह जिहदे लड़ लगी उहदा नाम साधू सी सुनिया आप जी ने कई सुनिया साधू उहदा नाम पर उहदा सारा परिवार सरवर नूं पूजदा सी कबरां नूं पूजदे सन रोट चढ़ाने कबरां दी पूजा करनी वह जदों विआह हो गया पता लग गया उदों लोग किहड़ा वेखा चाखा करदे सन लागी जा कर हुंदे सन ये पता लगा भी ये कबरां पूजदे ने असीं तां बाणी पढ़ने हाँ। प्यारिओ सदियां दी तवारीख सानूं कहिंदी है भी सिख कबरां नहीं पूजदा सिख बुत नूं नहीं पूजदा पर खिमा कर दिओ अज भी सब तो ज़्यादा कतारां पग्गां वालियां दे विचों दे मैं सिख नहीं शब्द वरत रहा सिख के लिए लिबास का नाम नहीं सिख तो एक उची सुरत का नाम भी है जी उन्हूं पता लग गया भी सरवर नूं पूजदे आ वह बच्ची नितनेमी सवेरे बाणी पढ़न वाली सिमरन करन वाली उन्हें डोली पैंदिया बस मापिया ने तो विद्या की बैराग च रोई थी अंदरों उस बैराग च आ गया सतगुरु मापिया ने बाणी की गुड़ती दिती जिदे लड़ लगी हैं वह कबरां पूजदे ने मेर करी घर जांदिया तक मेरी सिक्खी की दात बच जाए। महाराज रोक गए जी उत्थे ये फिर शाम नूं बरात उत्थे आ गई जो इतिहास कहिंदा है कि उत्थे फिर सवेरे जो कीर्तन होवे वह बच्ची ने कहार कोल सन उन्हें पूछ लिया जी ये शब्द कीर्तन हो रहा है इत्थे सिख रहिंदे आ उन्हां कह कल्ले सिख नहीं इत्थे गुरु हरगोबिंद साहिब आए हुए ने चले जाना सी सतगुरां ने अज रुक गए आ बस मनो आवाज है मना अज सतगुरु रुके ही तेरे करके ने कहारा नूं ने मैं सिर्फ थोड़ियां जिहियां प्रेम दियां झलकियां गुरु हरगोबिंद साहिब दियां अकाल तख्त बारे तो आप बहुत सुनने ना मीरी पीरी आप भी अर्ज करांगे उन्हें जी अपने जिहड़े गहने पाए सन ना कहारा नूं दे दित्ते कहिंदी डोली थोड़ी जी नेड़े लै जाओ उतर के जी दीवान सजिया सी इस बच्ची ने हजूर दे सन्मुख हो के नतमस्तक होई जां मत्था टेक के संगत च बैठ गई। सतगुरां ने भाई बिधी चंद जी नूं बुलाया कहन लगे जानते तो सब कुछ ने कि जोड़ा सुहाग वाला पाया है पर चेहरा क्यों मायूस है डरी क्यों है कोल बुला लिया महाराज जी पुछते ने पुत्र तेरा जोड़ा दस रहा तू नव व्याई कह डोली कहार ने ते उदास क्यों अंदर कड़ पाट गया कहिंदी सतगुरु मैं आप जी दे सिख दी बेटी हाँ बाणी पढ़नी आ मापिया ने बाणी दी गुड़ती दिती जिदे लड़ लगी हाँ वह सरवरी है किरपा करो मेरी झोली च सिखी पा दिओ। महाराज ने कहा पुत्र मैं तेरे कर की रुकिया तेरा कर सिखी का धुरा होवेगा
ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ। ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਖਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜੀਦਾ ਉਹ ਜੇ ਹੋਜੀਦਾ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਣਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਦਕ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਨੋ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸਿੱਖ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਿੱਖ ਆਏਗਾ। ਘਰ ਗਏ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਬਰ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਮ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਚੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਅਨਨ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇਠ ਥਾੜ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ, ਲੂਆਂ ਚੱਲਣ ਮੈਂ ਜੇਠ ਥਾੜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਮੌਸਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਨਾ ਟੰਗਿਆ ਰੁੱਖ ਨਾਲ, ਕੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਰਦੇ ਸਾਂ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਿਆਂ ਵੱਢਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੇਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਕੁੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅੱਤ ਦਾ ਠੰਡਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਉਹ ਛਕਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛਕਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਹ ਮੈਸੇਜ, ਆਹ ਫੋਨ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇੰਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਫੁਰਨੇ ਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਕੁੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਰ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 20-25 ਕੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਜਲ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਲ ਸਿਖਾਓ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
सतगुरां ने जल छकिया नाल पोशाक दिती। इन्नी देर नूं वो बीबी भी आ गई भाई साधु दे घरों, भाई रूपे की मां। महाराज ने पोशाक दिती, भाई रूपे ने अपने सिर ते रख ली। हजूर ने कहा इहनूं पाल है, कहिंदा नहीं रहमतां सिर उत्ते चंगीआं लगदीआं ने। कहिण लगे सांभ लै दसवें जामे लवांगे। याद रखियो मोड़ी गड्डी फिर क्या महाराज लोग ईरखा करदे ने सरवरी सरवर नूं। गुरु साहिब कहिंदे ने असी रूपे दे नां ते मोड़ी गड्डांगे। भाई रूपे के जिहड़ा नगर है ये गुरु हरगोबिंद साहब जी की बख्शिश है। मैं आप नूं बेनती करा, इस परिवार ने बड़ी सेवा की अज तक भी, किड्डी वड्डी प्यार की गल है। मैं सिर्फ अज प्रेमा भगती जी, प्रेमा भगती के मुकाबले केड़ा ज्ञान है। तो सच्ची मुची ज्ञानी नूं प्रेमा भगती की छेती समझ भी नहीं पैंदी। मैं बोधक तल ते कह रहा क्योंकि वो सियाणप च जी रहा है ना। सियाणप चंगी है पर नाम च भिजी सुगड़ता। हुण दूजी उदाहरण मैं सिर्फ इतिहास दो देनी है। जदों बख्शिश हुंदी है, एक सोढ़ी माधोदास जी होए ने जी, एक कश्मीर च बड़ा प्रचार किया इन्होंने। सोढ़ी माधोदास इन्हां दी साखियां बड़ियां विलखण ने। इन्हां दी संगत करके एक नौजवान जिहदा नाम सेवादास सी, वह प्रभावित हो गया। सेवादास सिख बन गया, बाणी पढ़न लगा। घर आया ते गुरमुखो इन्नी बख्शिश हुई, सेवादास की संगत करद्या मां उत्ते सिखी का असर हो गया। दर्शन ही पहला किते महाराज के, माई बाणी पढ़न लग पई, सिमरन कर लग पई। बजुर्ग बड़ी सी ते मन मन अरदास कीती कि छेवें सतगुरु मैं चल के आ नहीं सकती, नेत्रां दी जोत जांदी पई है। अपने हत्थी कत के सतगुरां दे वास्ते उन्हें थान तैयार किया कपड़ा कि महाराज तुसी आओ ते मेरा बस्तर। कहिंदे कपड़ा उन्हें बुन के जां तैयार करके वो अठे पैर सिमरन च ही रहना होना। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब उन्हां दे घर गए जी। गुरमुखो संध्या का वेला जिहड़ा गुरद्वारा छठी पातशाह जिहड़े गए होणगे श्रीनगर छठी पातशाह, उत्थे महाराज शाम नूं घोड़ा अगे जा खलोता माई दे घर अगे। आवाज़ दित्ती उन्हें, दरवाजा खुल्लिया, हनेरे च माई आई। नेत्रां दी जोत बड़ी कमज़ोर सी। गुरु हरगोबिंद साहब घोड़े तो थले उतरे, वो चरणा च झुकन लगी। सतगुरां ने सीने नाल ला के, मां इन्नी दूर तो तेरे बस्त्र लैण वास्ते आया, मेरी बेनती सुने। ओ सिखो मीरी पीरे दे दाते नूं कपड़े की कमी है, वो कपड़े दियां तंदा नहीं, वो बैराग बिरह ते प्रेम दियां तंदा ने। याद रखियो वो सूत नहीं, वो उन नहीं, वो प्रेम पटोला है जिहड़ा माई ने तैयार किया। महाराज कहन लगे असीं बस्त्र लैण आए हाँ। माता ने बस्त्र दिते, फुली ना समाए, इन्नी खुश। महाराज कहिंदे आ जो मंगोगे। कहन लगी कुछ मंगने नहीं, जो मंगया मिल गया, हुण मैनू कृपा करके वदायगी दे दिओ, उत्थे चढ़ाई कर गई नाल ही। महाराज जी का संस्कार किया। मैं आप नूं बेनती करा, कल भी कहा जदों उत्थे गए जो हुण अज शब्द भी आया ना, चलो अर्थ भी कर लईए, अन्न पावनी भगत नहीं उपजी। जे सिमरन नहीं किया, भूखे दान नहीं दीना, तू भुखे बंदे नूं दान भी नहीं किया, भूखे दान ना दीना। देखो सिखी का एक असूल है, जिहड़ी लंगर की सेवा ना जी बड़ी वड्डी जे। चलो अजकल भावें हर चीज़ पैसे नाल हो रही है, पुराने समय तजर्बा करके वेखियो जिंदगी च, बड़े गुरमुख तुसीं बैठे हो, गुरसिखां दी जां गुरु की संगत दी ना हत्थी भांडे मांझ के हत्थी लंगर तैयार करके सेवा करके देखो गुरमुखो किन्नी अंदर निम्रता मिलेगी। उस सेवा केवल फिजिकल वर्क नहीं, उस सेवा दे विच रूहानीयत का आचरण पिया होया है। ये भांडे कोई रेस्टोरेंट के भांडे तरह ने, ये झाड़ू ये मप लाना कोई जिवें बाहर क्लीन करदा नहीं, प्यारे हो इस सेवा विच गुरु वरतदा है। मैं एक बार कहा सी जी जिहड़ी सेवा गुरु कर दी, जिहड़ा पाठ कर दे, सेव कीती संतोख ई जिन सचो सच ते आया,
उन्हीं मंदे पैर न रखे कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शी सी अगला नित देवह चढ़े सवाया, सेवा कितने ले जाती वड्याई वड्डा पाया। महाराज सच्चे पातशाह उस वेले तो इतों तक सी जी, पुराने समय जदों हाथ वाली चक्की सी ना जी, उस वक्त मैं इनू कर्मकांड च ना ले जायो क्योंकि कथा करदे साडे मन च फिर पुरने आ जाने, क्योंकि अशरदा बहुत है अजकल। कई वारी बीबियां एक एक दाने ते मूल मंत्र दा पाठ करके बाद धो के पीदियां हुंदियां सन, क्योंकि शब्द असर करदा अन्न दे उत्ते। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कश्मीर ने, मैं एक उदाहरण होर दे के लोड़वंद की सेवा करनी, तो फिर मैं वापस अज गल फिर रिपीट करना, कथा सुन लीए कीर्तन सुन लीए सब चंगा है, घट्टो घट महीने च एक दिन तो कर ली भी, या सारा दिन जो छुट्टी है सिर बंदगी करनी है, पता लग जाता मन कित्थे खलोता है, किधर भटकदा पिया, किहड़े फुरने ने। हजूर गए तो आप जी ने पता होना कश्मीर की धरती जाती रस्ते जपजी साहब के अर्थ किए स, कथा की महाराज जी ने। जो गए जी तो संगत बहुत दर्शन कर आई, तो एक सिख उन्हें जी निक्की मक्खी जी माखियों निक्की मक्खी वह शहद तैयार किया, वो शहद कड के लिया आया सतगुरां के सामने रख दिता, मैं बेनती कर लगा भूखे दाना दीना, शहद ले आया। महाराज जी ने कहिंदा जी बड़ा मन चोना भी मैं ये पहाड़ा विचों शहद निक्की मक्खी का शहद। हजूर ने ध्यान ही नहीं दिता, उन्हें कहा सतगुरु शहद तुहाडे लई। हजूर ने कहा जदों मंगिया उदों दिता नहीं, मैं इहदा की करना है। महाराज आप जी ने मंगिया, कहन लगे मेरे लिए लैके आयो, जदों मैं मंगिया वो चुप जा कर गया। सतगुरां ने कहा जदों असी भाई कट्टू दे रूप विच रात नूं शहद मंगिया उदन तां सानूं दो बूंदा वी नहीं तू दित्तियां, क्योंकि जिहड़ा शहद लैके आया सी ना जी ये जिथे रस्ते च रुकिया उत्थे सतगुरां दा एक प्यारा सिख भाई कट्टू उहदा नां सी, उहनूं पता लग्गा कोई शहद है, कोई कहिंदे खांसी होई जा, उहने मंग लिया, लोड़ सी उहनूं शहद दे दे, कहिंदा तू वेख के लालची हो गया, शहद सतगुरां लई है। महाराज जी ने कहा मैं की करना, इस तक किरम पै चुके आ, कभी शहद च कीड़े पैंदे देखे, सच्ची मुची इस नहीं होया। हुण आपां कहांगे जी ये हो सकता है कि गुरु जी कहन जदों मैं मंग रहा सां, हाँ गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन हुंदे आ, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नहाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। गुरमुखो जो सिख दे मूँह च पैंदा है उत्थे गुरु हरगोबिंद साहब ने बख्शां कीतियां। एक मैं उदाहरण होर दे देना, जिहड़े सज्जन गुरु हरगोबिंद श्री हरगोबिंदपुर गए होणगे, गुरुद्वारे दे नाल ही एक कबर है, मैं पूजा की गल नहीं कर रहा। एक मुसलमान शहीद होया जानी शाह, इहनूं चेटक लग गई गुरु परमात्मा वाले पासे, तो ये बड़िया थावां ते गया, अखीर ते मुसलमान वीर ने ये कहा भी तू गुरु हरगोबिंद साहब को चला जा, चला गया जी, महाराज के चरणा च बह गया। तो इन्हें जांदिया सार इको गल कि बाबा जानी को जानी से मिला दो, लव वह जानी शाह का नाँ सी, तो जानी परमात्मा कह रहे कि जानी को जानी से मिला दो। महाराज जी ने कोई ध्यान नहीं दिता, उन्हें कुकी जाना जानी को जानी से मिला दो। एक दिन सतगुरां ने घोड़े दियां जिहड़ियां सुम्मां ने उह मरवाइयां, जो ठुड्डे मरवाए, वह फिर भी मिट्टी च लेटिया कहिंदा बाबा जानी को जानी से मिला दो। अखीर ते सतगुरां ने इहदे अगे कंध खड़ी करवा दित्ती छोटी जी, ओले हो गया, इह उहदे विच्चों वी आवाज़ दा जानी को जानी से मिला दो। बस अंदर बिरहा, सिखा क्या महाराज ये रोज कहिंदा है, हजूर कहिंदे कहो जानी नूं मिलना तो दरिया डुब के मर जा। जदों जाके दस्या महाराज उन्हें जी पुछो कुछ ना, भज तुरिया इको दम तेज रफ्तार, महाराज जी ने रोक लिया, कहन लगे कित्थे गया, कहिंदा मेरे वास्ते जानी उत्थी है जो तेरे मुख विचों बचन निकलिया है। सतगुरां ने
सच्ची मशीने ना ला के बख्शीश दिती। गुरमुखो, गुरु हरगोबिंद साहब के जीवन च बड़े प्यारे गए ने दुनिया च। पहली गल, पिता सतगुरु गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते बैठे, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी जैसा महापुरख सिखी नहीं सीमा जिस दे तुल कोई नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब आप गए, उन्हें चलाना बाबा जी ने हजूर दी सन्मुख आप नूं बड़ी बारी सुनाया। अखीर जदों जपजी साहब का पाठ किया तो महाराज जी ने शब्द किया सी, कहन लगे प्यारे जाओ जिमें आसमान व्यापक है, अज तो बाद चोला छड़ के खंडा ब्रह्मंडा विच तुसी व्यापक हो जाना है। भाई गुरदास साहब गोइंदवाल साहब ने ते महाराज अमृत वेले बाबा बुढ़ा साहब तो बाद अमृत वेले भाई साहब हजूर दे चरणा च आ गए कि सच्चे पातशाह स्नेह आ गए ने। सतगुरु जी एको ही शब्द कहा, अजे तो बाबा जी नूं तोर के आए हैं, तुसी चलो असी आने। आसन ते चले गए। इतिहास कहिंदा भाई गुरदास साहब जी ने कहा सतगुरु असीस बख्शो, इशनान किया, तीन चार बचन भी कहे कि महाराज मेरा संस्कार अपने हत्थी करियो, मेरी यादगार कोई ना बनावे, ये सारी राख नूं चुक के ब्यास विच रोड़ देना। हजूर ने कहा संस्कार करांगे, इशनान करावांगे, तुहानूं यादगार दी लोड़ ही नहीं। जिन्हें इन्नी बाणी का प्रचार किया, कलम चलाई, उन्हों की लोड़। भाई गुरदास साहब गुरु जी दे हजूरी सन्मुख है। भाई बिधी चंद गुरु का सीना है ना, कीरतपुर तो तोरिया, बुढ़न शाह दे चेले सन सुंदर शाह, ते जदों उन्हें कहा जी प्रचार मारे, कह लगे भाई बिधी चंद जी लै जो, वो इलाके की संगत कहती दर्शन देखो एडे कमाल दे बचन, कहन लगे जेड़ा बिधी चंद ते मेरे च अंतर जानेगा गुरु तो बिछड़िया रहेगा। किड्डे किड्डे उच्चा जीवन। भाई बिधी चंद जी आखिरी मिलनी सी जी उतों गए, बाबा अटल राय जी गए प्यारो, भाई साईं दास बीबी रामू जी गए, मेरे कहने तो बराद कि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह उन्हों का सारा जीवन जड़ा है प्रेम च भिजा होया है, इबादत च भिजे हुए। तो सतगुरु जी ने सब तो वड्डी कृपा की, सानू अकाल तख्त दिता, अपने हत्थी बनाया, कोई मिस्त्री नहीं लगा, सिर्फ एक गुरु हरगोबिंद साहब, दूजे बाबा बुढ़ा जी, तीजे भाई गुरदास जी। किसी राज ने हाथ लगायो, बुढ़ा और गुरदास बनायो। गुरबिलास छेवीं च कह जो तख्त बनया उहदे ते चौंकड़ा मार के नहीं बैठे गुरु हरगोबिंद साहब, भी रासन बैठे आ। एक होर बेनती करा, बहुत शायद घट सज्जना नूं पता होना है जां होवेगा भी, भाई सत्ता ते बलवंड जदों हजूर लाहौर गए डेरा साहब अस्थान की नींह रखी, इन्हां दोनां भरावां ने कीर्तन कमाल दा कीता जी, समा भुल गए, इन्हां भिज के कीर्तन कीता, इक्को दम साज बंद होए, कीर्तन की समाप्ति हुई, दोनों उठ के कहिंदे ने सतगुरु सानू गुरु नानक साहब आप लैण आ गए आ। गुरमुखो एदू एदू वड्डियां प्यार दियां घटनावां कितें मिलणगियां। इतिहास कहिंदा है कि गुरमूर्त मन मैं दृढ़ कीनी, सत नाम कै बापती दीनी। दोनों भरावां ने गुरु हरगोबिंद साहब के सामने सतनाम वाहगुरु बोल के शरीर त्याग दिता। मेरे कहने तो मुराद अगली जिहड़ी बख्श सानू दित्ती, तुसी किसे मुल्क च चले जाओ, किसे थां ते चले जाओ, जिहड़ी मीरी पीरी का सिद्धांत सानू दित्ता है ना, इस दे तुल संसार विच कुछ नहीं। बड़े तख्त बने, बड़े राजे महाराजे आए, समा आया इमारतां खंडरात हो गईयां, समा आया लोग चले गए, पता नहीं कैसी रूहानी मेहर टका दिती। प्यारियो याद रखो अज भी उस तख्त विच ओही जारी कला वरदी है, भावें सिख हो के सिखी दे लिबास कोई बेईमानी करे ते भावें कोई दुश्मन बन के चढ़ के आवे, रिजल्ट जरूर निकलता जे इहनू जेन च रखिए। महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने ये बख्शां कीतियां। खैर मैं समय के लिहाज नाल फिर अपने शब्द के प्रकरण ते आउणा। भाई तू धर्म ग्रंथ पढ़ रहे, तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन्न पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना, अन्न पावनी भगत नहीं उपजी।
किसी लोड़वंद नूं प्रशादा छकाए। उंज गुरसिखी का यह असूल है, किरत विरत कर धर्म की लै प्रशाद आण वरतंदा। गुरसिखा नूं देकर पिछों बचिया आप खवंदा। साडा तां प्यारो असूल ही यह सतगुरां ने इन्नी कृपा की, किसी नूं दे के ये नहीं कहना मैं दिता। कभी तुसीं देखो जो सिंघां नूं प्रशादा छकांदे हो ना, तो वह जिहड़ी अरदास है उह पता ही कहिंदे आ अन्न पाणी गुरु का टहल सेवा सिख परिवार की, कि यह अन्न पाणी सतगुरां ने दिता है। ता ही महाराज जी ने कहा जे प्रसाद करें पुन बोदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। हथों देख भला मनाए, ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते आ। तुसीं देखो इतों तक जेड़े बंदे सारा दिन घलू घारियां जंगा विच सिखां दे विरुद्ध लड़ते रहे, शाम नूं लंगर तैयार करदे आ नगारे दी चोट मार के कहिंदे आ जे कोई भुखा है तां गुरु का लंगर छक लो, क्योंकि देग तैयार हो चुकी है। महाराज जी दे बारे सिखां बारे लिखिया देत आवाज़ा भुखा कोई आओ देग तैयार गुरु होई। उस समय बैरी कम आवै परम मीत समताएं छकावें, उन्हूं मित्र जान के छकांदे आ। महाराज कहिंदे आ भाई जे तू भगती भी नहीं की पर उपकार भी नहीं किया तो भुखियां की जेबा कटदा रहा तो फिर तू खादा भगत हो गया। अगे फिर महाराज ये राव दे तुक ने अगली सुनो, कहने की जदों दे तू ग्रंथ पढ़ रहे तेरे च काम दे फुरने घटे आ कि नहीं? काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो। देवा देवा दा लफ्ज़ी अर्थ हे प्रभु, ग्रंथ पढ़ लै पुराण पढ़ लिया सच देख, इन्ना समा हो गया जिंदगी बतीत करदिया की तेरी काम दी वाशना ते कंट्रोल हो गया? हट करके नहीं, क्योंकि शब्द विच इन्नी वड्डी ताकत है उस बिरती नूं तब्दील करके रख दिंदा। फिर अरे सुनियो, मैं आपनूं बेनती करांगा कि ये बिरती तेरे च आई कि नहीं, ते जे अजे भी अखां विच कान विच नक साडे शरीर विच ओही बिरती कामुक बिरती ही काम कर रही है, फिर तू दस बंदिया तै नर क्या पुराण सुन के ना। जे ओही बिरती क्रोध नहीं हटिया लालच नहीं हटिया, इहदा मतलब सतगुरु कह रहा धर्म ग्रंथ पढ़न वाले हो वेखो पैमाना ला के कि साडियां मलीन वाशनावां रोगियां ने कि नहीं। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छुट्टियो। देवा हुण अगली गल, पर निंदा मुखते नहीं छुट्टी। की जेड़ी निंदिया दी बिरती अज तो कई साल पहला सी अज मुक गई? कि वह निंदिया जेड़ी छड़ दिती है? ते जे तू कहन मैं सेवा बड़ी करना तां की होया जे निंदिया कर दे? महाराज कहिंदे जिन्नी तू सेवा करना है नाल नाल निंदिया कर करके सारी सेवा दी भी सुभाई हुंदी पई है। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छुट्टियो। देवा पर निंदा मुखते नहीं छुट्टी, नेफल पई सब सेवा। पर बेनती है जी ये गल्लां नाल नहीं, कहन नूं बड़ा सौखा काम छड़ता क्रोध छड़ता, इहदी तां सच्ची मुची एक प्रेमा भगती ते दूजियां अरदासां। तीजी गल इहनूं फिर मेरी बेनती नूं सुणियो ध्यान नाल, किसी इस वासना विच खच धोए बंदे नूं डिग दिया काम राही क्रोध राही लोभ राही उन्हू देख के ते अपनी गल करें। असी तो इहो जी वासना दे नेड़े कदी नहीं गए, याद रखियो ये खौमे भी वासना वल तक देंदी है। जे सरबत दा भला मंगने आ ना ते वासना विच डुबे हुए लेते भी अरदास हो सकती है। हाँ मैं फिर बेनती करांगा, हट करके नहीं कहा, हट करके कोई बंदा छड़ सकदा जी? बाबा जी ने बाणी च कहा भी खुड दे विच वर्मीज नूं कहिंदे आ रुड दे विच सप्प पिया है उत्तों तू मिट्टी नाल लिंबी जाना, सप्प ने नहीं मरना, इहनूं बाहर कढेगा तो मरना है। अंदर वाशना बैठी बाहरों शब्दावली ते धर्म दे चिन्ह मर जूगी वाशना, उहनूं अंदरों कढ। फिर मैं तुहानूं बेनती करा नाम रस ही है जो काम रस तो मुक्त कर सकता है, होर कुछ नहीं। फिर जे इन्ना कुछ किया तो निंदिया शुरू हो गई, एक बंदा सेवा करे जो नहीं करता उन्हें तवा लाई जाता भी आ भी माड़ा आ भी माड़ा आ भी माड़ा। तो सच्ची मुची अज निंदिया नू ही पंथक प्रचार किया जा रहा है,
इस गल का भी गुरमुख तुसी बैठे हो, असी रस लैने हाँ। जे किसी बंदे दी रोज़ बदनामी ये भी माड़ा, सच्ची लो मैं डिटेल च ना जावां, पर हाथ जोड़ के बेनती जे ओ प्यारियो साडे अंदर पिया होया बरूद, ते जो निंदिया दी उत्तों चिंगा लगदियां आपां भी खुश हो कि ने कमालां कर दित्तियां अज ते जी। वह प्यारे कमाल कादी कीती, कमाल ओ ही है जे कीर्तन कथा पाठ सुन के एकांत बह के गुरु गुरु जपण दा चा बनेगा भी आपां सेवा करिए। पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, नेफल भई सब सेवा, सेवा व्यर्थ चली गई। अगला बचने बाट पार कर मूस बिरानो, बाट पार दर ते राह विच लंघण वाले लोग, बाट दर ते रस्ता, बाट पार दा अर्थ हुंदा डाका मारना, राह लोग लुटने राजनी। महाराज कहिंदे रस्ते विच लंघदे होए तू बंदे मारना पिया, उन्हां नाल ठगियां मार रहे हैं। मूस दा अर्थ हुंदा ठगना, बाट पार कर मूस बिरानो, बगाने घरां नूं तू ठग रहा मार रहा है, पेट भरै अपराधी वो गुनाह करन वालिया, अपने ढिड नूं भरन लई किसे दे घर उजाड़ना पिया। ते फिर तू कहने मैं पुराण पढ़िया, हजूर कहिंदे ने जै परलोक जाए अपकीरत, फिर सुनो जै परलोक जाए अपकीरत। अपकीरत दा अर्थ आपां कर सकांगे चंगी कीर्ति ना होनी, इहदे अर्थ इह ने जिस परलोक भी जाके जिस करके तेरी अपकीरत तेरी चंगियाई नहीं बदनामी होनी, सौखा शब्द बदनामी। जै परलोक जाए अपकीरत सोई अविद्या, ऐड़ा गेतर है अविद्या, विद्या दर्थ ज्ञान, अविद्या दर्थ अज्ञानता। जिस करके रब दे घर जाके बदनामी तेरे पल्ले पैनी है, तू सारी जिंदगी अज्ञानता ही खटी है। जे परलोक जाए अपकीर्त सोई अविद्या साधी, खिंसा तो मन ते नहीं छूटी, हंसियारी बिरती तेरे मन च कि वह तो छुटी ही कोई नहीं। हिंसा कई तरह की है जी, उंज वैसे मैं आप नूं बेनती करा, भगत परमानंद जी वैष्णव भगत सन, जिमें कबीर जी ने जिओ कहिंदे जो सब मैं एक खुदाए कहता है तो को मुर्गी मारे, जी बदो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत भाई, आपस को मुनवर कर थापो काको कहो कसाई। जीव हत्या करके तू फिर भी कहना जी मैं मुनि हाँ, तो कह लगे मैं घट्टो घट ये दस दे कसाई की परिभाषा की होंगी, कसाई किनू कहिंदे। इहदा गुस्सा ना करो क्योंकि एक इहो जिहा मसला है, इहनू इहदा हल कोई नहीं होना, जिन्ना मर्जी किसे ने लैओ, आपो अपने धड़े ने आपो अपनी व्याख्या है। पर इत्थे फिर मैं बेनती करागा, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, मन विचों हंसियारी बिरती नहीं गई। अगला महाराज कहिंदे जी दया नहीं पाली, किसे दया किसे जीव ते दया करन वाली बिरती नहीं तू बनाई। परमानंद साध संगत मिल, भगत परमानंद जी कहिंदे आ साध संगत विच मिल के कथा पुनीत ना चाली, पवित्र कथा परमात्मा दी कथा परमेश्वर की कथा कदी उस पासे तू तुरे ही नहीं, वो कथा कीती नहीं, वो कथा सुनी नहीं। कहन तो मुराद सारे इस शब्द का तत् भाव है भी गुरमुखो इको ही गल, बाकी छड़ दी है, छड़ दा मतलब ये नहीं भी कामना क्रोध जड़ा लोभ, इको गल घुट के पल्ले बाल लिए प्रेमा भगती ही ये तो खैड़ा छड़ा सकती है, होर कोई तरीका नहीं। दूजिया ने अरदासा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जिन्ने शब्द ने ना जी, आप जी नूं पिछले साल ही मैं कहा सी, असी कहने भी किसी भाई साहब जी साडी अरदास करो, बाबा जी साडी अरदास करो, वह गुरबाणी का पाठ करो, शब्द खुद अपने आप जी अरदासा ने। जदों ये पाठ करांगे राख पिता पर मेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा राखो, राखण आ रहे अरदास ने। नाथ कछु ना जानो मन माया कै हाथ बिकानो, तुम कही तो जग जगत गुरु स्वामी, हम कही तो कलजुग के कामी। ये अरदास ने काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो, काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव, सर्वर पंखी खेकड़ो फाही वाल पचास, ए तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। मेरे कहन तो मुराद ए वे भाई आप सारे यतन करिए, जो सतगुरु कहिंदे ने सिमरन करन वालियां तुहां रूहां बैठियां जे, जिहड़ी मैं एक इशारा थोड़ा जिहा कीता ना जी,
महीने च एक दिन उहदा मतलब ये वे भी आपां तजर्बा तां करिए। हुण कह दिंदे भी सवेरे नितनेम बड़ी चंगी गल, सवेरे नितनेम करना, शामी नितनेम करना, सतगुरु दे घर आउणा। ते जे छुट्टी वाला दिन पता है भी बिल्कुल हुण छुट्टियां ने, अमृत वेले 4 बजे तो लै के रात दे 9 बजे तक अपना नेम आपे मिथ लीए, हठ ना करिए। नींद आवे बंदा सौ जाए, प्यारे जे अपना नेम आपे मिथ गए, इन्ना समय मैं मूल मंत्र करना है, इन्ना पाठ करना है, इन्ना समय जे ध्यान टिक जाए तो मैं अंतर शब्द आराधना है, अंदर शब्द का जाप करना है, आप जी देखोगे कि शब्द विच बड़ी बरकत वरती है। आप संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिनट में थोड़े फिर 10 वध लै गया, तो अखीर वाला दिन कल मैं कथा कोई नहीं करनी, तो इस करके मैनू बख्श दिया जे। ये समुचे प्रबंध का, आप संगतान का, स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु हरगोबिंद साहब का मैं इस करके ज़्यादा जिक्र किया क्योंकि आप सतगुरों का पुरब मना रहे हाँ। वो सतगुरु जिहड़े रहमतां दे दाते ने, मेरे तो 3 दिन बोलदियां लफज तलफज बहुत भुलां हुई ने, साध संगत जी बख्श देना। वाहिगुरु जी का खालसा।